हेलो दोस्तों, मैं हूं मंदा। मंदा डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं चॉकलेट की आइसक्रीम। तो चलिए सीखते हैं कि चॉकलेट की आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। 100 ग्राम चॉकलेट, 250 ml अमूल फ्रेश क्रीम, कोको पाउडर, 250 ml दूध, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 दूध पाउडर। आप जो भी कप से मेजरमेंट लेते हो वही कप से आपको 1/4 मिल्क पाउडर लेना है और 1/4 शक्कर लेना है। एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में 250 ml दूध डालना है। एक चौथाई शक्कर, 1/4 मिल्क पाउडर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच कोको पाउडर। यह कोको पाउडर किसी भी बेकरी में और किसी भी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर यूज करना है। हमें 100 ग्राम का चॉकलेट का पीस लेना है। 50 ग्राम हम दूध में डालेंगे और 50 ग्राम बचा के रखेंगे। उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर बाद में आइसक्रीम के बेस में डालेंगे। यह डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। यह 400 ग्राम का पैकेट है। इसमें 4 पीस रहते हैं, एक पीस 100 ग्राम का रहता है। यह पैकेट आपको किसी भी बेकरी में मिलेगा, नहीं तो डीमार्ट में आसानी से मिलेगा। अब हम इसे व्हिस्कीपर से मिक्स करेंगे। आपके घर में व्हिस्कीपर ना हो तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो। हमें व्हिस्कीपर से अच्छे से मिक्स करना है, पूरा प्लेन करना है। कॉर्नफ्लावर की एक भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। हमारा कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है और हमें इसे धीमे आंच पर ही पकाना है। हमें बीच में नहीं छोड़ना है, चलाते ही रहना है। चॉकलेट मेल्ट होने तक हमें चलाते ही रहना है। हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। यह देखिए, दूध को उबाली आ चुकी है। दूध को उबाली आने के बाद में हमें 20-30 सेकंड ही पकाना है। हमारा बेस पक चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और ठंडा करने के लिए साइड में रखेंगे। अब हम इसे पूरा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए इसे फ्रिज में नहीं रखना है, इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है। हमारा मिश्रण ठंडा हो रहा है, तब तक हम क्रीम फेटेंगे। एक बाउल लेना है। यह 250 ml अमूल फ्रेश क्रीम है। यह अमूल फ्रेश क्रीम आपको किसी भी डेयरी में और किराना स्टोर में आसानी से मिलेगा। अब हम इसे पूरा बाउल में डालेंगे। अब हम इसे फेटेंगे। हमें इसे एयर बबल आने तक ही फेटना है। ये व्हिस्कीपर से फेटा नहीं जाता है, फेटने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। ये मशीन से ही आसानी से फेटा जाता है। इसके लिए हमें हेवी क्रीम चाहिए फेटने के लिए। जो केक में यूज करते हैं वही हेवी क्रीम चाहिए। जो केक में यूज करते हैं वही क्रीम हमें आइसक्रीम के लिए चाहिए। इसी से भी आइसक्रीम अच्छी बनती है। हमें ज़्यादा नहीं फेटना है, क्रीम में एयर बबल आने तक ही हमें फेटना है। हमारा क्रीम फेट के हो चुका है। हमारा चॉकलेट का बेस भी ठंडा हो गया है। अब हम क्रीम को चॉकलेट के बेस में डालकर फेटेंगे। क्रीम चॉकलेट के बेस में अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमारा चॉकलेट का आइसक्रीम का बेस बनके तैयार है। अब हम आइसक्रीम को सेट करने के लिए एक कंटेनर में डालेंगे। एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है। आप प्लास्टिक के कंटेनर में भी डाल सकते हो और स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हो। हमारा आइसक्रीम का बेस डाल के हो चुका है। अब हम इसमें चॉकलेट के छोटे टुकड़े डालेंगे। जो हमने 50 ग्राम चॉकलेट बचा के रखा था उसी के छोटे छोटे टुकड़े करना है और आइसक्रीम में डाल के मिक्स करना है।
जो बर्तन में बचा हुआ क्रीम रहता है उसी को हम इसके ऊपर डाल के डेकोरेट करेंगे। कंटेनर के साइज का रैपर लेना है और ढककर अच्छे से पैक करना है और 7-8 घंटे के लिए हमें फ्रीजर में सेट करने के लिए रखना है। सात-आठ घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे खोलेंगे। यह देखिए हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। एक प्लेट लेना है और प्लेट में आइसक्रीम निकालना है। अब हम इसे स्लाइस में काटेंगे। और ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। अगर आपको वनीला आइसक्रीम, नारियल की मलाई की आइसक्रीम, ठंडाई पान की आइसक्रीम देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखिए। हमारे चॉकलेट की आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। सर्व करो, टेस्ट करो, एंजॉय करो और कमेंट में बताओ कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, मंदार डायरी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन ऑल पर करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी के वीडियो आपको तुरंत मिले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी रिलीज हो तो सबसे पहले आपको मिले।